नमस्कार दोस्तों, भारत आंसुओं का देश नहीं। हम अपने दर्द को दबाते, हम आंसू नहीं बहाते। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जाता है, अच्छा किया जाता है, रचनात्मक सकारात्मक करने की कोशिश होती है। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ होने में वक्त लगता है, लेकिन आंसू नहीं बहाए जाते। मैंने तमाम तकलीफ झेली, तमाम दर्द आए, लेकिन आंसू नहीं बहाए। जी हां, यही शब्द थे श्रीमती इंदिरा गांधी के 15 अगस्त 1982 को लाल किले से दिए गए भाषण से। उन्होंने कहा था, हम आंसू नहीं बहाते हैं। इतिहास में तमाम सारे लोगों ने देश के लिए, तमाम शहीद हो गए, तमाम घायल हुए, तमाम अपना बहुत कुछ खो बैठे, लेकिन आंसू नहीं बहा। क्योंकि आंसू बहाते तो सब उसी में रह जाते और आगे काम नहीं हो पाता। इसलिए आंसू नहीं, काम कर, यही संदेश दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी। और उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत बताया कि कैसे अपनी उन्होंने मां को खोया बचपन, अपने पिता को खोया और फिर अपने बेटे को खोया। आप सोचिए, उनके जाने के बाद में दूसरा बेटा खोया। तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी कहते थे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि जिस वक्त संजय गांधी का निधन हो गया, वो लोग गए वहां संवेदना व्यक्त कर। इंदिरा जी ने देखा कि हम लोग हैं, उन्होंने किनारे ले गई हम विपक्ष के नेताओं और बोली, हमें आपसे बात करनी है, देश के अंदर यह समस्या है, इसका समाधान निकालना। खुद कहने लगे अटल बिहारी वाजपेयी, यहां महिला है, यहां भी देश के लिए सोच रही है। जी हां, वही अटल बिहारी वाजपेयी ये कह रहे थे जिन्हें आपातकाल के अंदर जेल में डाला गया। अब आप समझ लीजिए, लेकिन आज भारत की संसद में, लोकसभा में, उन्हीं इंदिरा गांधी के लिए निंदा प्रस्ताव पास किया जा रहा है। उन्हीं इंदिरा गांधी के लिए तमाम तरह के लज्जा वाले शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और न जाने किस किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा। लेकिन विपक्ष आज चुनौती भी दे रहा था और विपक्ष ने कहा, आप भाजपा का एजेंडा चला रहे, मिस्टर स्पीकर, आप भाजपा का एजेंडा चला रहे। बिल्कुल इसी तरीके से कहा, पूरा विपक्ष बोला, वही विपक्ष जिनमें से तमाम सारे लोगों के, अपने परिवार के लोग, तमाम सारे लोग जेल में डाले गए। संघी इतने जेल में नहीं थे, नरेंद्र मोदी अपनी भेष बदल के भाग गए थे, कहीं सरदार बने थे, कहीं ईसाई बन गए थे, लेकिन जो जेल गए थे वो लोग आज इस पर कुछ नहीं बोल रहे। वो कह रहे थे कि एजेंडा आप चला। तो आप समझिए, बहरहाल आज स्थिति यह है कि विपक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया था, उन नरेंद्र मोदी को जो अपने घमंड में चूर कहते थे कौन राहुल, आज उन्हीं राहुल को उन्हें बुलाना भी पड़ा, साथ लेके चलना भी पड़ा और सब वो करना पड़ा जो शायद वो नहीं करते। उनसे हाथ भी मिलाया, उनसे तमाम
तरह से औपचारिकताएं भी निभाएं। जी हां, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबी है। जब मैं बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी ने जब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपना पहला भाषण दिया तो पहले ही भाषण में नरेंद्र मोदी को आईना दिखा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को यह आईना दिखा दिया स्पीकर के जरिए कि सदन ऐसे चलाना है। नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने भाषण में कि सदन में व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब करना है। तो राहुल गांधी ने कहा सदन में व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से चले, यह बात की बात है। पहली बात है कि सत्ता पक्ष के पास राजनैतिक ताकत है, लेकिन हमारे पास भारत की आवाज है और भारत की आवाज यहां दबनी नहीं चाहिए, भारत की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की आवाज के आखिरी कस्टोडियन आप हैं। इसलिए आपको उस आवाज को सुनना होगा और उस पर करना होगा। अखिलेश यादव ने भी कमोबेश इसी तरह से दूसरी भाषा में कहा, उन्होंने भी कहा कि आवाज हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। जी हां, आज कमोबेश इसी तरह से बार बार स्पीकर को चेता रहे थे, बता रहे थे तमाम सारे लोग। जब ये बता रहे थे इसलिए बता रहे थे क्योंकि उन्हें पता है स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला अपने पुराने चरित्र में आ जाएंगे, और वह चरित्र देखने को भी मिला, लेकिन इस बार विपक्ष कमजोर नहीं था, विपक्ष डर नहीं रहा था, उसका नेता राहुल गांधी था, और आज प्रतिपक्ष ने पूरी भूमिका अदा की। जब स्पीकर के पद का चुनाव हुआ तो उस वक्त भी ध्वनिमत से हुआ, विपक्ष ने यह नहीं किया कि वहां पर वोटिंग कराने को कहते, विपक्ष ने उस पद का सम्मान रखा और संवैधानिक परंपराओं के मुताबिक नेता सदन नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें लेकर के गए और आसन तक पहुंचे। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे की हालत देखते बन रही थी। आज झूठी सी मुस्कान थी, इधर उधर चेहरा हो रहा था, गर्दन बार बार हिल रही थी, लेकिन राहुल गांधी उस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेकर के जाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, आंखों में आंख डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आंख नहीं मिलाते। नरेंद्र मोदी के यह हिम्मत नहीं थी आज कि वो आंख से आंख मिलाए, और राहुल गांधी आंख मिला करके बात कर रहे हैं। आज जब यह सीन था तो अपने आप में अद्भुत सा सीन था, और उसके बाद में राहुल गांधी ने जब पहली अपनी स्पीच दी एलओपी की हैसियत से, यानी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, तो उन्होंने बताया कि कितने सहज सरल भाषा में उन्होंने हर बात कह दी और कोई जवाब किसी के पास नहीं। इसीलिए शायद अवधेश प्रसाद ने कहा, जो अयोध्या से जीत के आए, राम के प्रतिनिधि, उन्होंने कहा भारतवर्ष में सबसे योग्य विपक्ष के यदि नेता के लिए कोई है तो राहुल गांधी, और उनको बधाइयां देने का आज तांता लगा हुआ। लेकिन राहुल गांधी किसी दूसरे उद्देश्य पर काम, वो जनता के मुद्दों पर उन पर बात करना चाहते थे, तो सदन में वो उस पर बात करें। उसके पहले
जैसा नरेंद्र मोदी साजिश रचते हैं वही साजिश रची, और वो आपातकाल के नाम पर जो 1975 में लगा था उस पर रोना गाना करने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं। और जब प्रस्ताव लेकर के आते हैं सत्ता पक्ष के लोग उस पर मौन धारण करते हैं। सोचिए जब यह हो रहा होता है तब विपक्ष उन्हें उनके एजेंडे बता रहा होता है। हालात ये हो गए विपक्ष के रुख को देखकर कि आज स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष खुद सदन से भाग गए और खुद तुरंत बोला कि सदन स्थगित किया जाता है और तुरंत भाग लिए। आप सोचिए आप सदन के संरक्षक नियुक्त हुए, आप सदन में इस तरह से प्रस्ताव पारित करते हैं लेकिन विपक्ष इस स्थिति में आज आ गया है कि वो आपको भागने के लिए मजबूर कर देता है, आप सदन चलाने की स्थिति में नहीं रह गए। पहले ही दिन यह स्थिति थी। आप अपनी खीज मिटाते हैं विपक्षी सदस्यों से लेकिन विपक्षी सदस्य भी कोई उनकी आवाज आप नहीं सुनाते हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा से यह दिखता है कि विपक्षी सदस्यों ने भी कड़ा जवाब दिया। हिम्मत नहीं थी इसलिए भाग लिए। तो भागने की पुरानी आदत है, चाहे देश की आजादी की बात हो चाहे देश की आजादी के बाद देश को बनाने की बात हो। ये तो बेचना जानते हैं, झूठ ढिनोरे पीटना जानते हैं, रुदाली करना जानते हैं और रोने का ही इनका क्रम। तभी इंदिरा गांधी की वह पंक्तियां याद आती हैं 15 अगस्त 1982 की, जो उन्होंने लाल किले से कही कि भारत रोने वाला देश। तो रोने वाला जो मुल्क नहीं है वहां इस तरह रो करके अपने दुखड़े सुना करके आप कहें कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं किया। क्या आप आज तक पाकिस्तान के दो टुकड़े कर पाए? नहीं कर पाए। क्या आप चीन से, जो चीन ने हमारी जमीनें कब्जा कर ली वो छुड़ा पाए? नहीं छुड़ा पाए, बोल भी नहीं पाए, चीन का चा नहीं बोल पाए। इंदिरा गांधी ने चीन के दो से छीन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया था, नाथुला में चीन को हरा दिया था, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके आगे घिघी बांधे रहते हैं और सदन में जहां आपके पास संख्या बल होता है वहां आप रुदाली करते हैं, तो आज दिखाई दे रहा था। लेकिन विपक्ष का कोई सदस्य आज तक रोता हुआ नजर नहीं आया, विपक्ष का कोई सदस्य रोना नहीं दिखा रहा था। वो हिम्मत के साथ अपने हक की बात कर रहा था और सच की बात कर रहा था। चूंकि पहला दिन था लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद, तो उस स्थिति में बधाइयों का सिलसिला रहा, उसने औपचारिकताएं निभाई, उसने वो शिष्टाचार निभाया। लेकिन आपके अंदर वह भी शिष्टाचार नहीं है, यह आपने साबित कर दिया। आपने साबित कर दिया कि आप छोटी सोच रखते हो और वह छोटी सोच दिखाई दे गई आपके इस प्रस्ताव। जबकि आप यह नहीं बता सकते कि श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन शिवसेना के जो अध्यक्ष थे उस समय के, वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब जो है उन्होंने किया था, और उसके अलावा जो है इसका समर्थन उन सारे लोगों ने किया था जो लोग गांधीवाद से जुड़े थे, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे भाऊराव देवरस हैं जो आरएसएस के प्रमुख थे, और तो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने समर्थन किया था, सीपीआई ने समर्थन किया था। तो समर्थन करने वालों की भी लिस्ट थी। कुछ लोग विरोध में थे तो बहुत बड़ी संख्या समर्थन में भी थी। इस आपातकाल की स्थिति क्यों लगी, क्या हुआ, यह मैं कल बता चुका हूं, लेकिन आज यह बताता हूं कि आज राहुल गांधी के इस भाषण में
एलओपी की हैसियत से आने पर आज एक डर दिखाई दिया, एक वह महत्व दिखाई दिया कि जो पिछले 10 साल से विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं था, उसके कारण आप जो मनमानी करते थे, तो अब वो मनमानियों पर लगाम लगेगी, उसकी पूरी तैयारी है और उसके लिए जो है सारा विपक्ष मिलकर के काम कर रहा है, मिलकर के काम कर रहे हैं वो सारे लोग जो एक साथ इसी बात को लेके अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब वो सारे विपक्ष को एक साथ लेकर चले, यही हम अपेक्षा करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा। यही वजह है कि आप देखिए राहुल गांधी ने अपने साथ अखिलेश यादव को बैठाया है, अवधेश प्रसाद को बैठाया है और के सुरेश को बैठाया। इसके अलावा उन्होंने टीआर बालू को बैठाया है, तो इससे यह समझा जा सकता है कि सबको साथ ले चलने की भावना स्पष्ट नजर आ रही। और अब जब विपक्ष एक साथ बैठा होता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर लगने लगता है। वही डर था जिस कारण से यह प्रस्ताव पास करते ही और उसके बाद में तुरंत भाग खड़े हुए, वो आवाज विपक्ष की नहीं सुन पा रहे थे और सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए स्पीकर और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो इतनी बड़ी संख्या में है, वो एनडीए की टीम जो इतनी बड़ी संख्या में है, वो भाग खड़ी हुई, क्योंकि इंडिया जवाब दे रहा कि एजेंडे मत चलाए, क्योंकि जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी उन पर चर्चा आपने होने नहीं, स्थगित करके बात। तो लेकिन अब कल बचने वाले नहीं, कल इन मुद्दों पर ही घिरेंगे और इन मुद्दों पर ही चर्चा होगी, बहस हो, और नहीं तो सदन नहीं चलेगा, यह भी सत्य है। जय।